नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेजिटेरियन फूड स्टैंड में आपका स्वागत है। तो फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के तैयार, उसमें तो बटर चाहिए भैया, बटर हो गया ख़त्म। चलो पहले बटर ही बना लेते सोचा, तो मैंने क्या किया, 2-3 चम्मच ले लिया देसी घी, उसमें डाला बर्फ़ और फटाफट से हाथ से ऐसे मिला दिया, 2-3 बार अच्छी तरह से रगड़ दिया उसे हाथ से। और ये देखिए हमारा बटर बन के हो गया तैयार, बिल्कुल वाइट बटर है ना, बढ़िया। क्योंकि ये भैंस का दूध का घी है ये, तो उससे बिल्कुल वाइट बटर। अगर आप गाय के दूध का घी से बनाते हैं तो येलो बनेगा, पर ये है। देखिए ये मेरा बटर हो गया तैयार फटाफट से। अब मैं इसे डब्बी में डाल के रख लेती हूँ, जब ना हो तो आप भी फटाफट से इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी पाव भाजी। तो ये हो गया मेरा, डब्बी में मैंने डाल लिया। तो देखिए पाव भाजी के लिए मैंने सब्जियां काट ली हैं, थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च, फूल गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च है, मटर है थोड़ी सी, और ये प्याज मैंने काट लिया है, 2 हरी मिर्च हैं, और टमाटर मैं बाद में पीस लूँगी हरी मिर्च के साथ। और देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू भी काट के छील के पानी में डाल दिए थे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, आज उन्हें पाव भाजी खानी थी तो कह के गए थे स्पेशल। तो मैंने गैस पे रख दिया कुकर, उसमें डाल दिया सबसे पहले मैंने बटर ये वाला, और 2 चम्मच डाल दिया ऑयल ताकि बटर ना जले। जैसे ही गर्म हो जाए फटाफट से डाल देंगे जीरा और हींग। जीरा और हींग तड़क गई तो इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज को थोड़ा थोड़ा भूनना है, झटपट बनानी हो तो इस तरह से बनाइए, कुकर में मज़ा आ जाएगा और टेस्टी इतनी लगती है। मेरे बच्चे ना बाहर की नहीं खाते क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑयल आ जाता है ऊपर, वो खाते जो एक कटोरी भी होगी ना वो भी बच जाएगी, और घर पर कितनी भी बना दो सारी साफ। तो देखिए मेरे प्याज भून गए थे, मैंने फटाफट से डाल दिया इसमें टमाटर, लाइट चलेगी पीसती तो मैंने इसलिए कद्दूकस करके डाल दिया, हरी मिर्च और साबुत धनिया मैंने कूट के डाल दिया है। ये देखिए अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लेंगे। सबसे पहले कलर के लिए डाल दी मैंने देगी मिर्च, वो थोड़ी ज़्यादा डाली ताकि कलर बहुत अच्छा लगे इसका, रेड रेड सा दिखे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, और साथ में हम डाल देंगे इसमें पाव भाजी मसाला ताकि वो भी थोड़ा सा भुन जाए। और हम 1-3 चम्मच हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले ना। तो देखिए मेरा मसाला पक गया है, अब ये ऑयल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें जो ये सब्जियां है ना सारी, वो सब्जियां डाल दूंगी मैं। ये देखिए है ना बढ़िया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब बताइए मुझे कैसी लगी, झटपट बन जाती है और ये टेस्टी इतनी लगती है हद से ज़्यादा। मैंने देखिए सारी सब्जियां डाल ली कुकर में और उन्हें मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लिया। अब देखिए मैंने क्या किया था, थोड़ी सी ना 4-5 वो ये होती जो सोयाबीन वड़ी, मैंने इसको पानी में भिगो लिया था और इन्हें अच्छी तरह से पीस लिया था, वो भी मैंने डाल दी इसमें। बच्चे वैसे तो नहीं खाते, जो सब्ज़ी ना खाएं वो डाल दीजिए आप इसमें। आप इसमें जैसे ये मैं ये डाल देती हूँ इसमें, क्या बोलते हैं, मशरूम, इसे बारीक करके मैं डाल देती हूँ होती है तो। और मैंने इतने बारीक करके डाल दिया कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। और सिर्फ थोड़ा सा पानी मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया, और इसमें हम सीटी लगवा ली मैंने 2-3। और देखिए मेरी बन चुकी थी, अब मैंने उस पर फटाफट उसे ना घोटने से, जैसे मैशर होता है आलू मैश करे, उससे अच्छी तरह से सारी को मैश कर दिया मैंने सब्जियों को। और ये देखिए अब हम एक तड़का लगा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर, उसमें डाल दिया हींग, देगी मिर्च और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और मैंने डाल दिया, और वो मैंने इसका तड़का डाल दिया है। और ये देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है ये। और ये कुछ मैं इसमें पनीर के टुकड़े भी डालूंगी, और बटर भी थोड़ा सा और डाल दिया है क्योंकि बनती बटर से है। इधर मैंने तवा रख लिया था, उस पर फटाफट बच्चे आ ही चुके थे, उस पर थोड़ा सा मैंने बटर लगा के थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ा सा मैंने मसाला डाल लिया, और इसे ब्रेड को हम पाव, बारिश बहुत हो रही थी तो दुकान पे जाना मुश्किल हो रहा था, और शायद पाव यहाँ मिलते भी नहीं, तो मेरे पास ब्रेड थे तो मैंने बच्चों के लिए ब्रेड ही सेक दी। इसके साथ भी बड़ी अच्छी
लगती है पाव भाजी, पता ही नहीं चलेगा बच्चों को, ऐसा लगेगा पाव भाजी ही खा रहे। पाव बल्कि छोटे होते हैं, ये ब्रेड थोड़े बड़े हैं। तो देखिए मैं इसे अलट पलट के इसे सेक लूँगी मसाले के साथ और बटर के साथ इसे। और ये देखिए मेरे हल्के हल्के मीडियम फ्लेम पे सेकना है इसे हमें, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये हमारा बन के फटाफट से देखिए धीरे धीरे सेक लीजिए, ये मेरे सिक गए हैं, मैंने निकाल लिया इन्हें। इस पर मैं और डाल दूँगी, इधर मेरी पाव भाजी मैंने डाल लिया, धनिया पत्ता देखिए दिख रहा होगा आपको हरा हरा डाल लिया था, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने पनीर काट के। बस अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है मेरी पाव भाजी की थाली। है देखिए मैंने ले लिया नींबू, नींबू भी निचोड़े थोड़े से, इसमें बटर डाल दिया आपको ये दिख रहा होगा ऊपर से, थोड़े से ले लिए प्याज, और बस हो गई मेरी थाली तैयार गर्मा गर्म। बच्चे आ चुके हैं, मैं उनको डाल के दे रही हूँ। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और ज़रूर इस तरह से बना सकते हैं फटाफट से झटपट से, आपके बच्चों को भी बहुत, आपको सबको पसंद आएगी।